अनंत सुख है, अव्यवहार सुख नहीं है, वो विषय अलग है। क्या बात है उसे तुम पकड़ नहीं पाओगे, तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं, वो तो केवली बन के ही आप जान पाओगे, लेकिन सुप्त ज्ञान से हमें स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, अव्यवहार सुख नहीं है, ये सत्य है, सत्य ही है। पर चतुर्थ से लेकर के ऊपर ऊपर गुणस्थानवर्ती जीव भेद विज्ञान की दृष्टि से लक्ष्य सुख का ही रखे, उस सुख का ही रखे, और फिर हम सिद्धों का ध्यान एक निशेंगे, फिर निशुद्ध आत्मा का आनंद लूटेंगे। जो भी जीव शुद्ध होगा निशुद्ध आत्मा के आश्रय से ही होगा। जड़ा हो जा, कभी केला खाया क्या तूने? छील के खाया कि ऐसे ही खाया? हाथ कहाँ तेरे, तो जोड़ लेना, कैसे छीला था? तो आप तो ये बताइए, पहले केला छील लिया था कि आपको मालूम था इसके अंदर सफेद फल है? अच्छा, आप मेरा फिर से एक प्रश्न है कि तुमने छीला क्यों था? बेटे जगत अज्ञानी कह सकता है किसी को भी, पर कोई अज्ञानी होता नहीं है। फिर से बोल। बहुत बढ़िया बेटा, तू कितना पंडित है। ये छोटा सा बच्चा लक्ष्मी सेन भट्टारक जी, भैया ये बालक क्या बोल रहा है कि मुझे मालूम था इसके अंदर सफेद केला है इसलिए मैंने छीला। ऐसे ही जिसे मालूम होता है इस अशुद्ध आत्मा के भीतर शुद्ध परमात्मा विराजा है, निशुद्ध परमात्मा, उसके प्राप्ति के लिए इसने केला खाने के लिए केला छील दिया, तो योगी ने अपनी शुद्ध परमात्मा प्रकट करने के लिए राग देश काम क्रोध मान आदि विकारों को छील के फेंक दिया। बेटा समझ, जब वो केला बंद था तूने छीला नहीं था, तब तेरे दिमाग में क्या चल रहा था? बहुत बढ़िया, एक गन्नू महाराज से बोलो कि भाई मैं केला खाने के पूर्व ही जानता हूं केले के अंदर फल है। बेटा पुनः तू सुन मेरी बात को, आपके मस्तिष्क में केले का छिलका चल रहा था कि केले के भीतर का दल चल रहा था? सच्चा भाव लिंगी मुनि वही होता है, छिलके होने पर भी केले के दल को देखता है, ऐसे अशुद्ध होने पर भी शुद्ध आत्मा का ही आश्रय लेता है, और शुद्ध आत्मा का आश्रय लेकर के उन छिलकों को फेंकता है। बच्चे बच्चे पंडित हैं। क्या हुआ भाई, किसका आश्रय लोगे? इसलिए ध्यान में ध्याता को पंच परमेष्टि के उपरांत निज परमात्मा का आश्रय ही लेना चाहिए। पंच परमेष्टि का आश्रय आपको अशुभ से बचाएगा, पंच परमेष्टि का आश्रय आपको स्वर्ग तक भेज सकता है, पंच परमेष्टि का आश्रय तुमको शुद्ध नहीं बना सकता। शुद्ध होने के लिए स्वयं का ही आश्रय लेना पड़ेगा।
और जब तक स्वयं के आश्रय लेने की योग्यता नहीं आ रही तो पांच पापों का आश्रय नहीं लेकर के पंच परमेश्वर का आश्रय ले लेना चाहिए। वो आज से ही अपने वीर अंतराय क्रम, ज्ञानवणी का क्षेपसम, नवोन्द्रीवण क्रम का क्षेपसम, इन सब की रक्षा करो। दूसरे के चिंतन से, दूसरे के प्रति बोलने से, दूसरे प्रति सोचने से तुम्हारा ना परमार्थ लाभ है न व्यवहार लाभ है। व्यवहार लाभ भी नहीं सद्भाव सागर, परमार्थ लाभ तो छोड़िए, व्यवहार लाभ भी नहीं। प्रश्न करूं मैं आपसे, श्री जिनाल में आके आप बैठ गए, अपने पति देव से कह के मैं पूजा करने जा रही हूं, और यहां बैठ करके आपने एक घंटे तक अपनी जेठानी के बारे में अशुभ सोचा, ठीक है। परमार्थ लाभ तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, कोई शंका की विषय ही नहीं है, क्योंकि मंदिर में आके आप दूसरे के बारे में अशुभ सोच रहे हो, तो इससे तुमको नीच गोत्र कर्म का बंद होगा, इसमें कोई आश्चर्य करना मत। लेकिन व्यवहार लाभ भी तुम्हें क्या हुआ, कम से कम घर में घंटे होते तो कोई काम करती, या मंदिर के नाम से आई हो वो खाली बैठे गप्पे कर रहे हो, इसे तुम्हें मिला क्या है। और किसी ने ऐसा शब्द बोल दिया जो तुमको चुभ गया तो तनाव और गढ़ा, घर से आई थी सिर ठीक करके और मंदिर से घर पहुंचे तब तक सिर दर्द करने लग गया, तो घर पहुंच करके पति को और परेशान किया, सिर दर्द कर रहा है, पर वो पागल को पता नहीं था सिर दर्द से सिर दर्द नहीं है, कोई दर्द दूसरा है। क्या मिला आपको, आखिर में बोलिए आप, भैया ललितपुरिया सुन बेटा, जितना समय तेरे पास है आवश्यकता नहीं है कि दुनिया मुझे देखे मुझे सोचे, आंख बंद करके विश्व को देखनहारे को देखना प्रारंभ करने का अभ्यास करो। पर के साथ देखोगे तो लोग कलंकित कर देंगे, पर के साथ देखोगे तो लोग कलंकित कर देंगे बेटा, और निज के साथ रहोगे लोग नमस्कार करेंगे। ये सत्य है, किशोर भैया समझ में नहीं आ रहा आज, आपको कहनी पड़ेगा आ रहा है। पर मित्र ध्रुव सत्य है, शब्दों को नहीं समझो इसके अर्थ में जाओ। पर का चिंतन करने वाला परमार्थ को क्या पाएगा, वो तो व्यवहार को भी नहीं पाता, बराबर पीयूष। पर का चिंतन करने वाला, और जब भी जीव का मस्तिष्क खराब होगा, मैं किसी की सुनने वाला नहीं मानने वाला नहीं हूं, आप जो है ना जब भी परेशान होंगे नियम से आपके मस्तिष्क में दूसरा प्रवेश कर गया है। जो छात्र बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, वो कह रहे मेरा मन नहीं लगता है, बेटा तेरे पिता कुछ भी देवी देवता पुजवाता रहे, पर हम जैसे आदमी देवी देवता नहीं पुजवाएंगे, हम तो ये कहेंगे कि तेरे मस्तिष्क में देवी घुस गई है, उसको निकाल दे तेरा पढ़ाई मन लगेगा। स्वच्छ पानी कभी गंदा होती नहीं है, बोलो भाई, पानी गंदा नहीं होता है, पानी में कोई गंदा प्रवेश कर जाता है, पानी गंदा नहीं होता है, पानी में कोई कचरा प्रवेश कर गया तो उसके कारण पानी की गंदी संज्ञा प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे हे नर, तेरी बुद्धि गंदी होती नहीं है, कोई गंदा प्रवेश कर गया तो बुद्धि गंदी होना प्रारंभ हो चुकी है, व्याग्रचित हो गया, एकाग्रचित की जगह व्याग्रचित हो गया, व्याग्रचित हो गया। समझदार वे पुरुष हैं
समझदार वे पुरुष हैं अपने पानी के पात को ढक के रखते हैं। समझदार वे पुरुष हैं अपने पानी के पात को ढक के रखते हैं, क्योंकि पीना तो मुझे ही है ना। जैसे पानी के पात को सारस्वत सागर ढक के रखते बेटा, ऐसे ज्ञान के पात को ढक के रखो। ये व्यवहार से कहा जाता है, सोपयोग अशुपयोग शुद्ध उपयोग, ये सब व्यवहार की भाषा है, वास्तव में ज्ञान का ही एकाग्रपना है। मित्र बोलो ना कैसा, अभी समझाता कैसा। सूर्य का प्रकाश होता है ना, एक रूप होता है, लेकिन बादल छा जाए तो उसकी किरणें फूटने लगती हैं, किरणें फूटने लगती हैं, तो आपको अलग अलग सूर्य दिखाई दे रहा है, पर सूर्य अखंड है। दूसरी अपेक्षा सुनिए पीयूष भाई, पानी जो है अपनी एकाग्र धारा में बहता है, देखा, लेकिन आप बहते पानी में पैर रख दो तो पानी की धाराएं फूट जाती है। देखा, किसी ने उसमें मिट्टी पटक दी तो पानी थोड़ी दूर देखो गंदा बहता दिखाई देता है। ये आंखों से देखा कि नहीं। कभी मित्र नदी के तट पर भी ध्यान करो, नहर के पास बैठ के ध्यान करो, और ये सारे दृश्य देखो कि किसी ने जरा सा पैर रख दिया उस स्थान का पानी गंदा हो गया, किसी ने मिट्टी का ढेला फेंका वहां का पानी गंदा हो गया है। पानी गंदा था क्या, हो गया है। ऐसे ही ज्ञान सामान्य को जब हम देखते हैं, ज्ञान सामान्य को देखते हैं तो मुझे सोपयोग नहीं दिखता। ज्ञान सामान्य को देखता हूं असो उपयोग नहीं दिखता, ज्ञान सामान्य को देखता हूं शुद्ध उपयोग नहीं दिखता। ज्ञान सामान्य मात ज्ञायक भाव होता है। बराबर, ज्ञान सामान्य को देखो, जो जो शुभ अशुभ आदि जो विकल्प आ रहे हैं, ये पानी में पड़ा परद्रव्य का परमन है। ज्ञान सामान्य को देखो, बोला बाद में भी लिख सकते हैं आप बेटा, ज्ञान सामान्य को देखो। ये आपको सुनने में भी सरल लग रहा है, एक आध घंटे बैठ के दिखाओ मुझे। ज्ञान सामान्य को देखो, वहां आपको मालूम चलेगा कि यो मैं तो पूर्ण स्वच्छ नीर हूं, स्वच्छ नीर हूं। ये मलिनता पराश्रय भाव है, स्याप सो उपयोग भी पराश्रय है, यदि अशो उपयोग पराश्रय है तो स्वा पुण्यश्च स्वा पापश्च। तो स्वा पुण्य स्वा पापश्च सूत्र है, ये आखिर में पुण्य पाप होता किसमें, हाथ से करो पैर से करो किसी से भी करो, इन सब का कर्ता एक ही है, उसका नाम ज्ञान है। योग करेगा क्या, योग तो जड़ है भैया, योग करेगा क्या, योग तो जड़ है। काय बांग मना कर्म योगा, तो काय बांग मना कर्म योगा, इसके अंदर का विषय तो दूसरा है, इनके माध्यम से आठ प्रदेशों का जो परस्पंदन है वो योग है। जैसे कि व्याकरण में आ इति विसर्जनीया, ये शब्द को बोलिए जरा, बोलो भाई आप लोग, आ अच्छे से बोलो, थोड़ा कंठ लगा के, सुरेश सागर जी, आहति विसर्जनीया, इसमें विसर्ग क्या है, हे मित्र श्लोक बोलो, श्रृंगवाल भक्तश्च बाल बछड़े के जो सींग होते हैं
कुंवारी कन्या के स्तन हैं और काले सांप के नेत्र हैं, ऐसे दो बिंदु जो हैं वो मात्र विसर्ग है, तो आ क्यों है उच्चारार्थम, आ क्यों है उच्चारण के लिए है। ऐसे ही शरीर वचन काय ये निमित्त के लिए है, परंतु वास्तव में योग क्या है, आठ प्रदेशों का परस बंधन इनके निमित्त से होता है। आके बिना विसर्ग का उच्चारण नहीं हो रहा है, ऐसे मन वचन काय के बिना योग का कथन नहीं हो रहा है, और योग की चंचलता भी दिखाई नहीं देगी। जिसने ये निर्णय कर लिया कि ये शरीर भी पौद्गलिक, वचन भी पौद्गलिक, मन भी पौद्गलिक, इस पौद्गल के पीछे मैं परेशान हूं, तो चैतन्य कौन है? कम से कम आप अकेले में नहीं जा पाते हो, प्रवचन समाप्त ही निर्णय करो तुम हो क्या, जिसमें शरीर भी नहीं बचता, वचन भी नहीं बचता, मन भी नहीं बचता है, ऐसा चैतन्य प्रभु ज्ञान घन आत्मद्रव्य ही चैतन्य है। शुद्ध है, एकाग्र मन हो जाओ, वही है, अन्य कुछ नहीं है। जब वही आपको दृष्टिगोचर होगा तो फिर श्रमण सोचता है इन सबको अलग कर दिया। जब तक तेल नहीं निकला था तब तक पीयूष सरसों का छिलका भी स्वीकृत था, उसके अंदर के दल भी स्वीकृत था, तेल निकलते ही खली वगैरह सब अलग कर दी जाती है और तेल टीन में भर करके निकल जाता है। ऐसे योगी आत्म तेल को निकाल करके शरीर वचन मन इन सबको खली की वहां छोड़ करके मात्र घर में लेके क्या पहुंचा, शुद्ध तेल मात्र, बाकी कचड़ा पता ही नहीं है। ऐसे निज घट में प्रभु जो विराजा वो सिद्ध परमात्मा बनेगा, सिद्धालय में मित्र कुछ भी लेके नहीं जाएगा, मात्र शुद्ध ज्ञायक भाव से युक्त भगवान आत्मा को लेके जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। ऐसी सत्यता को जिसने जान लिया है उस जीव को जगत के सारे विषयों को, लोग सम्मान की बात करें अपमान की बात करें, मुझे तो हंसी आती है, यथार्थ बोल रहा हूं। मेरा तुम अपमान करना चाहते हो, मुझे पता मेरा अपमान हो ही नहीं सकता है, आपने सम्मान करना चाहते हो, मुझे मालूम है आप में ताकत नहीं है, तुम्हारे पिताजी की पिताजी में ताकत नहीं मेरा सम्मान कर सको, तुम जो भी तिलक लगाओगे माला पहनाओगे वह मित्र भव का अभिनंदन करोगे, भवाति तुमको दिखाई देता नहीं। क्या करोगे आप, मुझे गाली देना चाहते हो पीयूष, बहुत जगह अपने देखा, लोग सोचते ऐसा बोल देंगे तो ये छोटे हो जाएंगे, तुमको पता क्या हम छोटों की बड़े हो जाएंगे, तेरी गाली समता सुन लूंगा मैं उतनी बड़ा हो जाऊंगा। यह ज्ञानी की सोच है, ज्ञानी जीव तो उसे देख रहा है जिसे तुमने देखने का विचार ही नहीं किया अब तक, अपने मित्र सागर सोचते कि मैं नाटक करूंगा तो आचार्य परेशान हो जाएंगे, परेशान पागल हो, मैं तो व्यवहार से कह देता हूँ भाई ठीक से रहो, पर मुझे पता है कि मेरे ध्रुव भगवान आत्मा को तुम कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते, तुम जो भी करोगे अपना ही बिगाड़ करोगे, व्यवहार से भी तुम्हारा ही बिगाड़ होगा और निश्चय से भी तुम्हारा ही बिगाड़ होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। सुब्रत सागर के ज्ञानी लोग सोचे
माने कि परमेश्वर का सोच है मैं ऐसा नाटक कर लूंगा तो धर्म की हंसी हो जाएगी, कि विश्वसार की हंसी हो जाएगी, तुम पागल हो, धर्म कभी हास्य का पात्र होता नहीं है, जो हास्य का पात्र होता वो धर्म होता नहीं है। जैन धर्म की कभी हंसी होने वाली नहीं है। जो अज्ञानी जिन शासन के विरुद्ध का कदम उठाएगा यानी अपना ही अहित करेगा, धर्म का कभी अहित नहीं हुआ, ना हुआ, ना हो रहा, ना होगा। इस भ्रम को निकाल देना मेरे मित्र। अप्रमेय सागर दृष्टांत मात्र नाम किसी का लेना पड़ता है, तो मैं कह रहा हूं मित्र इस भ्रम को निकाल देना कि इससे किसी का अहित हो जाएगा। बेटा किसी का अहित नहीं होगा, जो पर का अहित सोच रहा है उसका ही अहित होता है। जिसने एकाग्र मन से निर्णय कर लिया है चिद ब्रह्म में कोई मल होता नहीं। चिद ब्रह्म में कोई मल होता नहीं, मैं स्वभाव से द्रव कर्म भाव कर्म नव कर्म से शून्य शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चिद हूं, चिद हूं, टंकूत गीन ज्ञायिक स्वभावी हूं। उसमें तुम क्या करना चाहते हो? है मिट्टी के ढेले, है मिट्टी के ढेले, हे मिट्टी के ढेले, तू समुद्र को मलिन करना चाहता है। हे मिट्टी के ढेले, तू समुद्र को मलिन करना चाहता है। तू समुद्र में गिर करके सोचता है मैं समुद्र को मलिन कर दूंगा, समुद्र का पानी इतना विशाल है कि तुम उसमें घुल जाओगे और नीचे तैर जाओगे, समुद्र तो समुद्र ही रहेगा। ऐसे ही श्वेत सागर जीवन में इस बात का चिंतन करना, ये तुम्हें कोई विकृत करने आना चाहता तुम यही सोचना मेरा चैतन्य भगवान आत्मा तो समुद्र है, उस समुद्र के भीतर मिट्टी का ढेला क्या कर सकता है। एक क्षण को एक बूंद को मलिन करते दिखाई देगा, द्वितीय क्षण में गहल करके बह जाएगा समुद्र। इतने शांत घर में बैठते आप लोग, तीन भंग ऐसे गहरे बना के रख दिए अमृतचंद स्वामी ने। ये परम सत्य है, चाहे समय सारजी हो चाहे प्रवचन सारजी हो, अमृतचंद स्वामी ना होते इनके हृदय को पाना बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। एक अमृतचंद स्वामी ऐसा आचार्य भगवान हुआ जिसने अपने हृदय की पूरी अंदर की विशुद्धि को उड़ेल के रख दिया। नहीं भीतर जा पाओ तो कम से कम श्रुत का काम करो, ऐसा जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी उसको समझ सके सकती ही है। पर प्रशस्त कार्य भी तथा प्रकाश चंद जी तभी होगा जब भीतर का दम नाश होगा। मां आपको मालूम रहता है जिस कक्ष में आप रहते हो उसकी झाड़ू आप ही लगाते हो, पोंछा आप ही लगाते हो, फिर भी आपको मालूम रहता है कि मेरे ही पैरों से गंदा होगा। ओहो बोला ये मत पूछ ले कहां से खोज के लाए दृष्टांत, पर आप तो समझो विषय को। इन माताओं को मालूम रहता है पक्का पक्का कि सबसे ज्यादा कमरे में घूमता कौन है। बोले हम ही घूमेंगे, हमारे पैरों से मलिन होगा, फिर भी पोंछा लगाते कि नहीं लगाते। फिर भी पोंछा इसलिए लगाते हैं कम से कम जितने समय तक स्वच्छ है उतने समय तक स्वच्छ रहे, पोंछा लगाते रहो, हमारी पैरों से गंदा होना फिर भी पोंछा लगाते हैं। ऐसे मित्र तुम अपने ही परिणामों से अपने को गंदा करोगे, फिर भी अपने ही हाथों से पोंछा लगाते रहो जिससे कमरा स्वच्छ रहे। कमरा स्वच्छ रहे, भूख प्यास की वेदना है इतनी कठिन नहीं होती है, हम लोग सब अनुभव कर चुके हैं। प्रसम भाई सुब्रत सागर जी, आज से विराग सागर जी, ओहो
हम तो तुम लोगों का कुछ भी सेवा नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, मेरी कोई सेवा नहीं तुम्हारे लिए। जब उनकी याद आती ना, जब जब अंतराय होता था ना, वे गुरु महाराज अपने हाथों से पैर दबाते थे। लक्ष्मी सेन जी, कभी कभी तो गर्मी में रातों रात आचा श्री जब नींद खुलती थी, वे ठंडा पानी सिर पर लगाते मिलते थे। एक दिन मैंने पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? बोले, बेटा मुझे कुछ दिखाई देता है, मैं लेके आया हूँ। बोले, मैं लेके आया हूँ आपको, तो संभाल के रखना है। वो सेवा की है पीयूष। एक दिन तो मैंने ऐसा देखा कि प्रथम ग्रास पर अंतरा हुआ, 21 किलोमीटर का बिहार था गर्मी में, एक ललितपुर के पास सिरोंज है, सिरोंजी क्षेत्र में पहले ग्रास पर अंतरा हो गया और लू लग गई। उस सामायिक को बैठा 11 बजे, 5 बजे तक होश ही नहीं रहा। वो पूरी दोपहरी पूरा संग निर्णय सागर जी आचा श्री ये लू उतारने में लगे। 5 बजे जब प्रतीकों की आवाज सुनाई पड़ी, आँख खुली, बोले मैं कह रहा क्या हो रहा है? बोले, तुमको पता नहीं है? तब लगता है व्यवहार से देखो तो गुरु के अंदर बड़ी करुणा होती है। हम आपकी सेवा इतनी नहीं कर रहे हैं, वो कितनी सेवा की है, पर यही सेवा मान के चलो हम तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे हैं। हे मित्र, यदि भूख प्यास कोई पीड़ा ज्यादा नहीं देती, चित्त प्रसन्न है तो, और चित्त प्रसन्न नहीं है तो पेट भरने के बाद भी तुम सुख से नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, व्याग्र चित्त हो जाएगा। क्योंकि आज पूरी व्याख्या किसकी चल रही है? व्याग्र चित्त। एक 232 नंबर की गाथा की इतनी विशद टीका की है, वो घनत्व रूप में टीका है, मतलब एक एक पंक्ति में इतना रहस्य भर दिया है कि एक एक पंक्ति के व्याख्यान में इतना समय लग रहा है। क्या न एकांग मंत्र ने श्रवणम सिद्धे, एकांग चित्त के श्रवण सिद्ध नहीं होता। ये तो नैसे एकाग्रतम एकत्वम, जहां एकाग्रता नहीं है अनेकम मेवती, वो क्या चिंतन करता है? नैकाग्रता अनेक मेवती, अनेक को देख रहा है, जीव है ये, अमुक है अमुक है, जिसका चित्त एकाग्र नहीं है वो दुनिया में भटकेगा। यस अनेकम मेदती थी तो नस नैकाग्रस्या अनेकम अभेदमति, अनेक में भेदता है पश्चात, पश्चात देखता है तथा प्रत्ययनिष्ठ, ऐसे देखता हुआ ठहरता हुआ अवनिष्ठ उसमें इंद्रन हो रहा है। किसमें? पर में। निज को छोड़ करके कहां स्थित हो रहा विकास भैया? पर में। सततम कैसा अवनिष्ठ मृति जान जानस्ततम तथानुभूतिश्च भावतस्सम मेकमति प्रत्यार्थ विकल्प दुर्वृत्तम चेत सा सततम प्रवर्तमानस तथा वृत्ति दुस्ततस्य। वह जीव एकाग्र मन को छोड़ करके व्याग्रचित होकर के क्या देखता है, जानता है तथा अनुभूत अनुभूति लेता है, भावित होता है, तस अनेकमति किसमें? अनेक में। प्रवर्तमान प्रत्यर्थ विकल्पात प्रत्यार्थ विकल्पत्व वृत्ति चेतसा, विकल्पों की वृत्ति से चित्त चेतसा चित्त चित्त में सततम प्रवर्तमानस्य हमेशा सतत प्रवर्तमान होकर तथा वृत्ति दुस्तस्य उसी में ठहरता है।
उसी में स्थित होता, किसमें, अनेक में, व्याग्रता में ठहरा हुआ है चित्त, किंचित मात भी उसको शांति का वेदन ही नहीं हो रहा है। एकांत प्रतीति अनुभूति, एकांत प्रतीति की अनुभूति वृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रणति प्रवत्ता। देखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, परिणत प्रवृत्ति, दृशी ज्ञप्ति प्रति होना क्या चाहिए थे, सम्यक दर्शन को देखे, सम्यक ज्ञान में गमन, ज्ञान को बोध वेदन करे, सम्यक चारित्र में रमण करे, ऐसा होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए, दर्शन ज्ञान चारित्र का ही वेदन होना चाहिए था। निज को ही श्रद्धान करे, निज में ही अवलोकन करे, निज में ही रमण करे, ऐसी प्रवृत्ति होना चाहिए थी। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रणति प्रवत्र दृश्य ज्ञप्ति वृत्ति, ये तीनों ग्रहण कर लेना, दृशी ज्ञप्ति प्रवृत्ति, ये हो गया रत्नत्रय। दृशी यानी देखना श्रद्धान, ज्ञप्ति यानी ज्ञान, वृत्ति यानी चारित्र। तो दृशी ज्ञप्ति वृत्ति रूप आतत्व एकाग्रत भावात्, ऐसा दृशी ज्ञप्ति वृत्ति जो आत्मतत्व की एकाग्रता है, उसका अभाव होने से, कब होगा अभाव, मुमुच्चु समत्व सागर, चित्त इधर उधर जाएगा तो दर्शन ज्ञान चारित्र का निज में अभाव होगा। बराबर, अब कैसे ग्रहण करना है मित्र, यहां दो दृष्टियां चल रही हैं, बहिरंग तो मुनि है, वो निर्गंत मुनि ही है, लेकिन अंतरंग में क्यों, भोजन हो गया तारक जी, आर हुआ ना, अच्छा थाली किसकी थी, आप ही की थी, अच्छा चांदी वाली, हाँ। अब देखना, मेरा प्रश्न दूसरा है, अनमेश छुल्लक जी को कटोरा दिया जाता है, भट्टारी जी को बर्तन दिए जाते हैं, हाँ जो यथार्थ में साधक है वो दूसरे के पात्र में भोजन नहीं करता, वो दिगंबर मुनि न सोने के में करते न चांदी में, ये पानी पात में करते हैं। अब इस चांदी की थाली का विषय तो यहीं रुक दो, अब दूसरा विषय प्रारंभ करते हैं। इन्होंने आपको क्या मूंग की दाल की कटोरी भी दी, अच्छा विकास भाई भोजन हो गए, लौकी की कटोरी आई थी क्या, लौकी की कटोरी नहीं आई, भिया गड़ेलू बोला, क्या श्रीखंड की कटोरी आई थी क्या, आज नहीं आई, कौन कौन सी कटोरी आई थी जल्दी बोलो, समय नहीं है मेरे पास, हाँ है ठीक, दाल की आई थी ना, ठीक है, दूध का गिलास भी आया था, ठीक। अब विषय यहाँ पर रोक दीजिए, गिलास चांदी का था, थाली चांदी की थी, कटोरी चांदी की थी, ठीक है, भट्टारक जी की, आपका गिलास स्टील का था, कटोरी स्टील की थी और थाली भी स्टील की थी, ठीक है। अब पीयूष देखना, एक गन्नू ने क्या किया, भट्टारक जी को खीर की कटोरी दी, भोला को महरी की कटोरी दी, महरी जानते आप लोग, अरे दूध में चावल बनाओ तो खीर बन जाती है और मट्ठे में चावल बनाओ तो महरी बन जाती है। अब देखना है मित्र, भट्टारी जी के मन में आया
आज हमारे पास दो सेट हैं बर्तन के, वो भोला ब्रह्मचारी है, इसके सारे बर्तन हटा दो, इसको भी हम चांदी के ही पात्र में भोजन कराएंगे, ठीक है। ऐसा विचार करके, परंतु उनके मन में तो आ गया कि चांदी के बर्तन में खिलाएंगे, पर गन्नू के मन में नहीं आया, तो उसने भेद कर दिए। भट्टारक जी कटोरी में उसने खीर भरी, इनकी कटोरी में महरी भरी। परोसने वाले की दृष्टि देखना। अब मेरा प्रश्न ये है, भोला जब भोजन करके आए तो शिकायत क्या करेंगे गन्नू की, स्पष्ट बोलो, समय बचेगा जल्दी बोलो। बोले इन्होंने लक्ष्मी सेन भट्टारक मेहमान आए सो खीर की कटोरी दी और मुझे महरी की कटोरी दी, ऐसी शिकायत करो, कर दी। अब सुनिए समत्व सागर प्रश्न इधर है, कटोरी दोनों किसकी थी, चांदी की थी, परंतु भोला शिकायत कर रहा है मुझे महरी की जटेरी कटोरी दी, और लक्ष्मी सेन भट्टारा खुश हो रहे हैं मुझे खीर की कटोरी दी, जबकि कटोरी दोनों चांदी की थी। ऐसी है मित्र, जो तीर्थंकर महावीर स्वामी की मुद्रा थी वही तेरी है, कटोरी चांदी की है। जो कुंद कुंद की मुद्रा थी वो भी तेरी ही है, जो समुद्रत स्वामी का भेष वो भी तेरे पास है, कटोरी सबके पास चांदी की दी गई है, पर परोसा क्या गया ये देखो। तो भेद धातु एक होने पर भी वस्तु के नियोग से भोले की कटोरी महरी की और भट्टाने की कटोरी खीर की। ऐसे मित्र कटोरी दोनों चांदी की होने पर भी पदार्थ के रखे होने से कटोरी का नाम बदल गया है, इसी प्रकार से आत्मा वही है, भेष वही है, तुम्हारे भाव बदलने से एक अशुभ में गया, एक शुभ में गया, एक शुद्ध में गया है, यानी भाव बदले हैं। वस्तु रखने से बर्तन में भाव भेद आया है, लेकिन बर्तन तो वही था। ऐसी मुनि मुद्रा एक ही हो सकती है, दृष्टि ज्ञप्ति वृत्ति ये व्यवहार का वर्तन मत देखो, खीर देखो। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, हम भी आपके काम में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। व्यवहार से मूलाचार की भाषा में हम आपको समझाते रहेंगे, बेटा अच्छे से रहो, पर अच्छे से रहो व्यवहार के अच्छे से मैं रख सकता हूँ, सीधे बिठा सकता हूँ, भावों के अच्छे तुमको ही रहना पड़ेगा। और जितना हमने आपसे कहा अच्छे से रहो उतने तुम बुरे हो सकते हो। बोले मतलब मुझे नहीं था मालूम ऐसे बंधन करके रखते हैं, खुली बात भी किसी से नहीं करने देते हैं महाराज, ये मुझे मालूम होता तो मैं दीक्षा नहीं लेता। तो मतलब वो अच्छे से रहो जो मैं कह रहा हूँ, वो अच्छे से बैठने के बाद भी भाव अच्छे हो ये नियत नहीं है। हरी घास सामने होने पर भी खूंटे से बना बैल संकल्प सागर जी खूंटा तोड़ना चाहता है, क्योंकि भीतर कोई दूसरे की घास चल रही है। ऐसी रत्नात्रि धारण करने के बाद भी साधक के मस्तिष्क में कोई दूसरी घास चल रही है, तो बेटा पात्र चांदी की कटोरियां हो सकती हैं, पर फिर भी महरी की कटोरी अलग है और खीर की कटोरी अलग है, ये विषय है। ये विषय है। आज ऐसा लगता कि बिल्कुल सरल विषय चल रहा है, क्योंकि समझ में आ रहा है। मैं तो अपने कक्ष में बैठ के सोचना आपको मालूम चलेगा कितना कठिन विषय आज का था। भैया ललितपुर वाले, बेटा इस उम्र को इस देह को घूमते घूमते नष्ट मत कर देना, पर्याय विलीन मत कर देना, बहुत कठिनता से मिलती है। तत्व निर्णय करके बैठ गया जी तो घर में बैठ करके भी तो मोक्ष मार्गी हो सकता है,
वो तत्व निर्णय करके नहीं आ पाया तो मुनि बन के भी संसार मार्गी है। ये विशुद्ध सार का वचन मत समझ लेना, क्योंकि आज स्थिति यही हो रही है। मैं जो कोई आगम की बात करूं तो लोग ये बोल देते कि विशुद्ध सागर ने ऐसा बोल दिया। हे मित्र, मेरी क्या ताकत है? भीतरागी पूरा आचार्य ने लिखा है, तत्व ज्ञान बिना नाम निरगंतमपि निष्फलम। बोला नोट कर लो, तत्व ज्ञान बिना नाम, लिख लो मित्र, लिख लो, तत्व ज्ञान बिना नाम निरगंतमपि निष्फलम। अनुपम सागर, अणु प्रमाण भी बेटा परिग्रह मस्तिष्क में रहा, सिद्धि असंभव। तत्व ज्ञान बिना नाम, तत्व ज्ञान बिना नाम निरगंतमपि निष्फलम। हे मित्र, जैसे कि धान के छिलकों को कूटने से चावल नहीं निकलते, यदि चावल उसमें से निकल चुका है तो धान के छिलके से कूटने से क्या मिलेगा आपको? जिसके अंतरंग से अभिषेक ज्योतिषी तत्व ज्ञान निकल चुका है और तुम मात्र भेष बना के बैठे हो, तो छिलके हैं, छिलके को कूटने से कुछ नहीं मिलने वाला। तत्व ज्ञान बिना नाम निर्गंतमपि निष्फलम। तत्व ज्ञान से भी निर्गंत बना है तो निष्फल है, और तत्व ज्ञान से युक्त निर्गंत बना है तो सीधा भगवान बनाता है। ऐसा आचार्य भगवंत बादिम सिंह सूर्य ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा हुआ है। श्रीरांसगिरी के चातुर्मास में छत्र चूड़ामणि याद कराई थी आचार्य ने, करो याद। हम लोग सुब्र साहब प्रथमानुयोग भी कंठस्थ करते थे और बाकायदा आचार्य पूछते थे, यहां तक कौन से देश के कौन से राजा थे सब पूरा पूछते थे। तत्व ज्ञान बिना निरगंतमपि निष्फलम, तत्व ज्ञान से भिन्न निरगंत पद भी निष्फल है, निष्फल है। इसलिए भाइयों, बेटा रोड पर घूमने के लिए नहीं मुनि बनना, विभार से रोड पर घूमना, भीतर आत्ममार्ग में घूमना। नहीं तो बोला है भाई ने, सुन लिया आपके मित्र ने कि आपने वो तारीख लिख लेगा आज की, आपने हैदराबाद में कहा था रोड पर घूमने से मुनि नहीं होता, तो ये बिहार बंद कर देगा, कोई मठ बना के बैठ जाएगा। नहीं तो लक्ष्मी सेन भट्टाचार्य के साथ चला गया, बोले मैं वहीं रहूंगा। हे मित्र, विवक्षा समझो, तत्व ज्ञान बीन होके रोड पर घूमने से मुक्ति नहीं मिलेगा, पर रोड पर घूमना बंद कर दोगे तो तत्व ज्ञान तुम्हारा मलिन हो जाएगा। साधु बिहार करता रहेगा तो रागदेश से दूर रहेगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे मित्र, ज्ञप्ति दृष्टि ज्ञप्ति वृत्ति अनुभूतश अनेक में उति, अनेक में घूमता तब प्रवृत्ता प्रत्यार्थ विकल्प व्यावृत चेतसा, विकल्प से व्यावृत चेतन सततम प्रवर्तमान तथा वृत्ति दुस्तम। हाँ ज्ञप्ति, तू इस प्रकार वृत्ति रूप आत्मत्व एकाग्र भाव अभावात, जो जीव ज्ञान दर्शन चार्त में एकाग्र नहीं है, उसकी एकाग्रता का अभाव होता है। जब ये कहते अयम जीव ये दुनिया के विकल्प में जाता है तो उसकी ज्ञप्ति में दृष्टि में और वृत्ति में एकाग्रता का अभाव होने शुद्धा तत्प्रवृत्ति रूपम श्रमण न स्यात्। जहाँ एकाग्रता का अभाव है वहाँ सम्मेद ज्ञान चारित्र का अभाव है, शुद्धात् प्रवृत्ति रूप श्रवण्यम न स्यात्, वहाँ शुद्धात् प्रवृत्ति रूप श्रवणपना नहीं है। अतः निर्णय दे रहे अब, अतः सर्वथा मोक्ष मार्ग अपर नामना श्रवणस्य। आज तुमको पुलकित होना चाहिए मुनिराजो, पुलकित हो जाए बेटा, क्या करें। जब तुमको दीक्षा के भाव भर रहे थे, पिच्छी हाथ में आ रही थी, उस दिन के बाद आज तुम पुलकित हो जाओ। किस बात पर, क्या लिखा है यहां पर? अतः सर्वथा मोक्ष मार अपर नाम अहो श्रमणो संजन सागरी, मोक्ष मार अपर नाम श्रवणस्य। मोक्ष मार्ग का कोई दूसरा नाम है, उसका नाम श्रवण है। इसे निगंतो मोक्ष मार्ग
लग्गो विमुख मग्गो, नग्नताई मोक्ष मार्ग है, निर्गंत मोक्ष मार्ग है, और निर्गंते पबड़े और निर्गंती प्रवचन है। क्या लिखा हो? मोक्ष में अपर नाम सर्वश्य सिद्धे भगवत अरह सर्वज्ञो, भगवान उसकी सिद्धि नहीं हो सकती यदि एकाग्र चित्त नहीं है, दर्शन ज्ञान चार्त में स्थिरता नहीं है। तो हे मित्र, मोक्ष मार्ग का परिणाम श्रवण है, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। भगवत अर्हत सर्वज्ञ पज्ञ, भगवान अर्हत सर्वज्ञ द्वारा कथित प्रकट अनेकांत केतने, अनेकांत केतने भगवान सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित शब्द ब्रह्मणी, अनेकांत केतने भगवान सर्वज्ञ देव ने शब्द ब्रह्म की व्याख्या की है, वो कैसा शब्द ब्रह्म है? अनेकांत केतने, जिसकी अनेकांत ध्वजा है। भगवान सर्वज्ञ देव ने जिस शब्द ब्रह्म की व्याख्या की है, वो अनेकांत ध्वजा से शोभायमान लहरा रही है निष्णातेना। इसलिए अब ये समझा रहे हैं आपको, उपदेश कर रहे हैं मुनि, आपको क्या करना चाहिए है। भगवान सर्वज्ञ देव ने जो शब्द ब्रह्म की व्याख्या की है, जो कि अनेकांत ध्वजा से चिन्हित है, ऐसे निष्णातेन मोक्षण भवितव्यम, प्रत्येक मुनि को उस शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए, मतलब स्वाध्याय करना चाहिए, गप्पों से बचना चाहिए। बेटा कोई कुछ नहीं दे सकता, सर्वार सागर, क्या प्रणुत सागर देंगे, क्या संजत सागर देंगे, कुछ कोई कुछ नहीं दे सकता। बेटा कानापूसी, उनने क्या बोला, उनने क्या किया, कुछ नहीं रखा। जितना समय उस समय हम लगाएंगे दीवारों में, खिड़कियों में झांकने में, बेटा कुछ नहीं है, उतना समय हमने जिनवाणी को झांक लिया, सारा विश्व तुम्हें झांकेगा। व्यवहार की भाषा बोल रहा हूँ, जो अपनी आँखों को पीयूष, जो अपनी आंखों को जिनवाणी के झांकने में लगा देगा, उसको दुनिया झांक झांक के देखेगी। उस जगत में झांकेगा, उसे लोग आंख बंद कर लेंगे उसके लिए। विश्वास ना तो करके देखो, करके देखो, मैं तो स्पष्ट बोला हूं। ओ महात्मा साध्य सागर जी, बेटा सुन ले, फिर क्या मालूम कभी सुनने आएगा कि नहीं आएगा। हे मित्र समर्थ सागर भाई, इनसे मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि साधक ने अपनी आंखों को जिनवाणी के झांकने में लगा दी, बेटा विश्वास मानो सारा विश्व तुम्हें आयो झांकेगा। अपन तो अनुभव कर रहे बहुत अच्छे से। जब लोग सोते हैं तब ज्ञानियों को जगना पड़ता है, वो 3-4 बजे कितनी मधुर नींद आती है, तब साधुओं को उठ के बैठना पड़ता है। मालूम, तुम जागते रहे, दुनिया जाग के तुम्हें देखती, घनी समय देखो, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा 232 नंबर की गाथा पर। अब जैसे स्वामी क्या कहने वाले हैं, इसको आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। वन महावीर स्वामी की डमोरियंता प्राणी स्वाद्य निष्ठा बन गृह प्रभाचारुण सकल कर्मस्यार्थम भाव स्तोषमितम श्री श्रुत भक्ति का शुभ कुर्वेहम।